नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं इस वक्त सीटीएन भारत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने खुले में लगने वाली मांस मछली की दुकानों को हटाने के आदेश जारी कर दिए, जिसका असर आज छिंदवाड़ा में देखने को मिला। यहां जिला प्रशासन सहित नगर निगम की संयुक्त टीम ने मांस मछली कारोबारियों की दुकानें हटाई। देखे बुरी खबर। खुले में मांस विक्रय कर रहे सिवनी रोड के 30 दुकानदारों के विरुद्ध शनिवार को प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। बुलडोजर से इनके अवैध कब्जे को हटाते हुए 2000 का चालान भी काटा गया। राजस्व, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा शनिवार की देर रात यह कार्रवाई की गई। SDM सुधीर जैन ने बताया कि शासन के आदेश पर खुले में मांस विक्रय करने वालों के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया। मटन मार्केट में कार्रवाई के बाद शहर में जगह जगह अस्थायी दुकान लगाकर मांस विक्रय करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शनिवार से शुरू कर दी गई। वहीं सिवनी रोड पर 30 से ज्यादा दुकानों को हटाया गया। यह अभियान शहर के अन्य स्थानों पर भी जारी रहेगा। शासन के नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीटीएन भारत से ब्यूरो रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। स्टेशन रोड छिंदवाड़ा पर फुटपाथ पर मीट मटन का विक्रय करने वाले लोगों को करीब 4-5 दिन पहले हटाने के निर्देश दिए गए थे नगर निगम की टीम द्वारा। इसके बावजूद भी उनके द्वारा खुले में मीट मटन का विक्रय करना नहीं रोका गया, इसलिए आज पुलिस, राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा उनको यहाँ से हटाया गया है। लगभग 30 से 35 लोगों को हटाया गया है, छोटे बड़े।